नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी इन्फॉर्मेशन में। मैं उराज आपको बताने वाले हैं पीएम किसान यानी कि पीएम सम्मान निधि योजना का जो 6000 रुपये मिलता है उसका किसान यानी एचएटएस जो चेक करते हैं कि कितना पैसा मिला है, कितना किस्त मिला, जहाँ से आप चेक करते हैं उसके रिगार्डिंग एक नया अपडेट आ चुका है। अब उसको चेक करने के लिए एक नया प्रोसेस दिया गया यानी कि नया स्टेप दिया गया है। कहाँ से कैसे दिया गया और कैसे चेक करना है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले नॉर्मली आप अपने अकाउंट नंबर से, अपने आधार नंबर से या फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस चीज़ को चेक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ अलग है, करना कुछ नहीं होता, आपको गूगल पर आना है, लिखना है पीएम किसान। लिखने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल कर जाता है pmkisan.gov.in। यहाँ पे जब पीएम किसान पे क्लिक करेंगे तो नीचे में यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, बेनिफिशियरी स्टेटस और नो बेनिफिशियरी स्टेटस। हम पीएम किसान पे क्लिक करेंगे, करने के बाद इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह का खुलकर आ जाता है। यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है, यहाँ पे फार्मर कॉर्नर पे यहाँ पे तीन नंबर पे बेनिफिशियरी स्टेटस है। जब इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक नया अपडेट आया है। क्या अपडेट आया हम आपको बता देते हैं। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिल जाता है, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर। जैसे कि सपोज कर लीजिए मैं किसी का एक चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम देखिए डालना क्या है कि हम यहाँ पे गए आधार नंबर पे या फिर जो भी जिस चीज़ पे चेक करना है आप चेक कर सकते हैं। हम क्या करते जाता है यहाँ पे डाले अपना मोबाइल नंबर जो है, उसका हम गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है नया आ चुका है, जहाँ पे कि फॉरवर्ड का नाम और मोबाइल नंबर डालना होता है। हमने यहाँ पे जो है अपना नाम डाल लिया, उसके बाद नीचे हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे जो रजिस्टर करवाए थे, उसका सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक OTP जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। याद रहे कि अब OTP भी जाने लग गया है, ठीक है। यहाँ पे आप डालने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, यानी कि अब जो है प्रक्रियाएँ चेंज हो चुकी है। अब कुछ इस तरह से जो आपको करना होता है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, OTP का वेट करेंगे। इस केस में क्या है कि OTP जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे बहुत कम गिरता है, जिसको क्या करना, नॉर्मली आप क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद आपको जो है यहाँ पे आना है, फिर से होम पे आने के बाद आपको नीचे आना है। आने के बाद यहाँ पे एक डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है इस कॉर्नर पे, आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जब आप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का विलेज डैशबोर्ड देखने को मिलता है, जहाँ पे डाटा रिकवर, डाटा पेंडिंग और जो है प्रीपेड दिखाता है। नॉर्मली आपको स्टेट चॉइस करना है, आप जहाँ से भी हैं उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो चॉइस कर लीजिए, उसके बाद आप जो भी आपका मतलब सब डिस्ट्रिक्ट है वो और विलेज जो भी आप वो डाल लीजिए। सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ पे डाल लिया, यहाँ पे जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट यानी कि मेरा जो हमारा जो गांव है हम वो डाल लेते हैं। डालने के बाद हम शो पे क्लिक करेंगे, शो पे जैसे हम क्लिक करेंगे, ये चीज़ आपने मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, बिना इजी वे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए हम क्या करते हैं थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और यहाँ पे जो है ये प्रक्रिया होता है, या फोन में भी आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। शो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पे नॉर्मली क्या करना है आपको, देखिए टोटल रजिस्टर फॉर्मर यहाँ दिखाता है, यहाँ पे लिखा है रिसीव ऑल पेमेंट। आप इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा जितने भी फॉर्मर रजिस्टर हैं इस डिस्ट्रिक्ट यानी कि जितना भी इसमें था सारा का नाम यहाँ पे आ जाता है डिटेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है गेट, यहाँ पे क्लिक हियर टू मोर डिटेल्स। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है जैसे पहले खुलता था वो आता है, यहाँ पे देखते आ गया अभय कुमार मिश्रा और कितना इंस्टॉलमेंट इनको मिला, 6 किस्त मिल चुका है और 7वां किस्त जो है यहाँ पे चढ़ चुका है। तो इस तरह से आता था, लेकिन पहले क्या होता था कि नॉर्मली आप पीएम किसान के पोर्टल पर जाते थे और वहाँ जाने के बाद अपना आधार या फिर मोबाइल नंबर या फिर अपना अकाउंट नंबर डालते थे और सीधा चेक करते थे और सीधा ये वाला पेज खुलकर आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब दूसरे सिरे से हो चुका है, एक OTP के माध्यम से जिसमें कि OTP नहीं गिर रहा है और एक मैंने जो बताया आपको डैशबोर्ड के माध्यम से उससे आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप अपना पीएम किसान यानी कि हम सम्मान निधि योजना का जो 6000 मिलता है उसका स्टेटस आप इस तरह से चेक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो सही लगा होगा। इस तरह का अपडेट पाने के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में कैफे से रिलेटेड या फिर अन्य किसी से रिलेटेड आप हमारे वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट है सरकारी इन्फॉर्मेशन .com। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय, लव यू।